दिस वीडियो वी कैन डिस्कस अबाउट चिपको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा एक मूवमेंट चलाया गया था, जिसमें बाद में और भी लोकल मेल एंड फीमेल मिलकर इस आंदोलन को सहयोग दिए। ये आंदोलन बेसिकली उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था, बाद में चल के ये पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गया। ये कब स्टार्ट हुआ था? अप्रैल 1973 में स्टार्ट हुआ था। और सुंदरलाल बहुगुणा और उनके सहयोगी, जैसे कि बहुत कोई थे, उसमें सबसे पहला महिला का जो नाम आता है गौरा देवी, जो सबसे पहली महिला थी, उन्होंने इस मूवमेंट में सहयोग दिया था अपना। आगे चलते हैं। गौरा देवी यहाँ पे है। गौरा देवी वॉज फर्स्ट वूमेन हु सपोर्ट द चिपको मूवमेंट। स्लोगन था सुंदरलाल बहुगुणा, इकोलॉजी इज परमानेंट इकोनॉमी। द हिंदी वर्ड चिपको मीन्स टू यू हग और टू क्लाइन। इस चिपको मूवमेंट का एम क्या था? एम ये था कि ट्री को सेव करना है, फॉरेस्ट को बचाना है, द माउंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ दैट एरिया। इन 1973 एंड नेक्स्ट 5 ईयर स्पेयर टू मैनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमालय इन उत्तर प्रदेश। सक्सेस ये किस तरह से हुआ था? तो द मूवमेंट इन द हिल सेव्ड है 1000s ऑफ ट्री फ्रॉम बीइंग फील्ड। 1000 पेड़ों को लगाया गया था। द मूवमेंट मेजर सक्सेस कम इन 1980, जब वहाँ की सरकार, उस टाइम सरकार में कौन थे? पीएम इंदिरा गांधी। 15 साल के लिए बैंड कर दिया था कि वहाँ पे कोई भी ट्री को नहीं काट सकते हैं। तो इस तरह से इसका हम लोग एम देखे, सक्सेस देखे, किसके द्वारा बनाया गया था, किसके द्वारा ये मूवमेंट चलाया गया, तो सुंदरलाल बहुगुणा। बाद में बहुत सारे लोगों ने मिलकर इसमें सहयोग दिया। इस आंदोलन में लोग पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि पेड़ों को काटा नहीं जा सके। और इसका मेन स्लोगन क्या था? इकोलॉजी इज अ परमानेंट इकोनॉमी। तो ये हमारा पूरा होता है चिपको आंदोलन का, जिसको हम कवर किए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो बताइएगा कि किस पर मैं डालूं।